The delimitation exercise in Jammu and Kashmir has been completed by the Delimitation Commission. So in this analysis, we will understand what is delimitation, what is the role of Delimitation Commission, why did delimitation need in Jammu and Kashmir, and discuss the recent controversies. Let's begin today's discussion. हमने इस कंट्री को डिवाइड किया है कॉन्स्टिट्यूएंसीज में. क्यों डिवाइड किया है? सो दैट हमें अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज से पीपल रिप्रेजेंटेटिव्स मिल सके. एक और डिवीजन होता है जिसे हम लोग डिस्ट्रिक्ट कहते हैं, लेकिन डिस्ट्रिक्ट का डिवीजन एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पज के लिए किया जाता है, जबकि कॉन्स्टिट्यूएंसीज का डिवीजन इलेक्शन प्रोसेस को इलेक्शन पर्पज के लिए किया जाता है. यानी जब देश या किसी राज्य के टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी, फिर चाहे वो लोकसभा हो या विधानसभा क्षेत्र हो, इसके बाउंड्रीज को छोटा करना, बड़ा करना, या नया कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना, या फिर पुराने कॉन्स्टिट्यूएंसी को खत्म करना हो, उसे हम डिलिमिटेशन कहते हैं. अर्थात इलेक्शन प्रोसेस के लिए टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का निर्माण किया जाता है, जिसका बाउंड्री कहाँ तक होगा, इसे ही डिलिमिटेशन कहते हैं. इस डिलिमिटेशन का आधार है बदलते हुए जनसंख्या यानी पॉपुलेशन. अब आप ये पूछ सकते हैं कि पॉपुलेशन ही क्यों? क्योंकि दोस्तों पॉपुलेशन हमेशा चेंज होता रहता है, चाहे वो माइग्रेशन की वजह से हो या फिर अर्बनाइजेशन की वजह से. जैसे कि मान लीजिए किसी एक जगह में आज से 100 साल पहले बंजर जमीन था, तो वहाँ जाहिर सी बात है कि पॉपुलेशन तब बहुत कम था. लेकिन 100 साल बाद आज वह एक शहर बन चुका है, तो वहाँ पॉपुलेशन अब बढ़ गया है, तो इसका असर भी तो इलेक्शन में दिखेगा ना. तो ऐसे में इस जगह में पॉपुलेशन इलेक्शन कराने के लिए नए कॉन्स्टिट्यूएंसी बनाना पड़ेगा. तो ये काम डिलिमिटेशन के थ्रू होता है. आई होप यू गॉट क्लैरिटी. अब समझते हैं डिलिमिटेशन का पर्पज़ क्या है. इसका पहला पर्पज है टू प्रोवाइड इक्वल रिप्रेजेंटेशन टू इक्वल सेगमेंट्स ऑफ पॉपुलेशन. मान लेते हैं ये एक राज्य है जहाँ 6 कॉन्स्टिट्यूएंसीज है. आप इमेजिन करते हैं कॉन्स्टिट्यूएंसी ए में 10 लाख पॉपुलेशन है और कॉन्स्टिट्यूएंसी बी में सिर्फ 1 लाख पॉपुलेशन है. तो ऐसे में जब इन जगह इलेक्शन होगा, तो ये दो अलग अलग क्षेत्र में से जो रिप्रेजेंटेशन रहेगा वो एक बराबर नहीं हो पाएगा, जो कि डेमोक्रेसी के सिद्धांत को पूरा नहीं करता है. क्योंकि डेमोक्रेसी में लोगों का रिप्रेजेंटेशन ऑलमोस्ट एक समान होना ही चाहिए. इसीलिए डिलिमिटेशन का थ्रू लोगों के बीच इक्वल रिप्रेजेंटेशन को एंश्योर किया जाता है. अर्थात यह कोशिश किया जाता है कि पॉपुलेशन हर कंस्टिट्यूएंसी में ऑलमोस्ट इक्वल रहे. दूसरा पर्पस है ज्योग्राफिकल एरियाज का फेयर डिवीजन. फ्रेंड्स, इस मैप से देखिए, कुछ जगह का कंस्टिट्यूएंसी काफी बड़ा दिख रहा होगा और कुछ जगह का कंस्टिट्यूएंसी बहुत छोटे छोटे से है. क्या आप जानते हैं ऐसा क्यों? बाय द वे, ये जो मैप देख रहे हैं आप लोग, ये पूरे भारत का टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का मैप है, न कि डिस्ट्रिक्ट का मैप. तो जनरली हिली एरिया में पॉपुलेशन कम होते हैं और शहरी इलाकों में ज़्यादा पॉपुलेशन होते हैं. तो पॉपुलेशन को अर्बन और हिली एरिया में एक समान रखने के लिए अर्बन एरिया को छोटे छोटे कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवीजन किया जाता है और हिली एरिया को कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा रखा जाता है, ताकि दोनों जगह में एक समान पॉपुलेशन को रखा जा सके. अर्थात शहरी एरिया छोटे जगह में जितने पॉपुलेशन रहते होंगे, वह हिली एरिया के बड़े जगह के पॉपुलेशन का बराबर होगा. आई होप यू गॉट क्लियर. जैसे कि आप देखिए इस मैप में, जो लद्दाख वाला रीजन है वो काफ़ी बड़ा है कंस्टिट्यूएंसी में, या फिर अरुणाचल प्रदेश के साइड में काफ़ी बड़ा है, क्योंकि ये हिली एरिया है. इसीलिए इसी डिलिमिटेशन का काम को पूरा करने के लिए भारत के संविधान के आर्टिकल 82 एंड 170 पार्लियामेंट को एम्पावर करती है कि ये हर सेंसस के बाद डिलिमिटेशन एक्ट बनाए, जिसके थ्रू सेंट्रल गवर्नमेंट डिलिमिटेशन कमीशन का निर्माण करती है. अच्छा, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्क है. हाँ, ऐसा क्यों? बिकॉज डेमोक्रेसी इज अ वेरी क्रुशियल कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट. फ्रेंड्स, ये याद रखिएगा, डिलिमिटेशन कमीशन का जो भी ऑर्डर होता है वह फाइनल डिसीजन होता है, जिसे कोर्ट में चैलेंज नहीं किया जा सकता है, और ये बात संविधान में कही गई है. क्योंकि जब इसे कोर्ट में चैलेंज किया जाएगा, तो ये प्रोसेस लंबा हो जाएगा, जहां ऑलरेडी इतने केसेस पेंडिंग में है, और फाइनली ये प्रोसेस डिले होता रहेगा. बाकी आप वीडियो को एक बार पॉज करके डिलिमिटेशन कमीशन के कंपोजिशंस और इसके ऑब्जेक्टिव्स को पढ़ सकते हैं, जिसे हम अभी डिस्कशन ही किए थे. अब समझते हैं डिलिमिटेशन का आधार क्या है, अर्थात इसे कब कब किस तरह से बनाया गया है. तो इसका आधार है सेंसस, जैसे कि हम अभी समझे ही है. फ्रेंड्स, 1951 में आज़ाद भारत में पहली बार सेंसस की गई थी, और फिर 1952 में पहला डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था अंडर डिलिमिटेशन कमीशन एक्ट 1952. उसके बाद 1961 के सेंसस के आधार पर 1963 में एवं 1971 के सेंसस के आधार पर 1973 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था. लेकिन 1976 में मैडम इंदिरा गांधी के समय 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के थ्रू डिलिमिटेशन को फ्रीज करके 2001 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाने की बात कही गई थी. ऐसा क्यों? क्योंकि 1970s में फैमिली प्लानिंग स्कीम लाया गया था, सो दैट इंडिया के विभिन्न राज्यों में जिस तरह से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही थी, उसे कंट्रोल किया जा सके, और हर 10 साल के जनगणना के बाद यानी सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन को बनाना और टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज को चेंज करते रहना अ वेरी डिफिकल्ट टास्क इटसेल्फ. इसीलिए 1972 के बाद 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन का गठन किया गया था. यानी 25 साल तक डिलिमिटेशन कमीशन को फ्रीज कर दिया गया था. फिर 2001 में 84th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग 2026 के सेंसस के बाद डिलिमिटेशन कमीशन बनाया जाएगा, यानी फिर से 25 साल तक फ्रीज कर दिया गया है. अर्थात अभी जो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी का डिमार्केशन किया गया था,
2019 लोकसभा चुनाव के लिए वह 2001 के पॉपुलेशन के आधार पर किया गया था, न कि 2011 के पॉपुलेशन के आधार पर। तो अभी तक 1952, 1963, 1973 और 2002 में डिलिमिटेशन कमीशन बनाया गया था। अब नेक्स्ट डिलिमिटेशन कमीशन का गठन 2026 के सेंसस के बाद किया जाएगा। अब बात करते हैं जम्मू कश्मीर की डिलिमिटेशन की बात और समझते हैं कि यहाँ क्या इशू चल रहा है। 2020 मार्च में रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में जम्मू कश्मीर के लिए डिलिमिटेशन कमीशन का सेटअप किया गया था। जैसे कि हम जानते हैं 2019 में आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया था, तो इसीलिए जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी का रिस्टोरेशन और फेयर इलेक्शन कराने के लिए इस कमीशन का गठन किया गया था। यह कमीशन अभी कुछ दिन पहले अपना रिकमेंडेशन दी है, जिसके प्रोविजन से कुछ कंट्रोवर्सीज क्रिएट हुआ है। पहले प्रोविजन को समझते हैं। 2019 के पहले जम्मू कश्मीर में टोटल 111 असेंबली सीट्स था, जिसमें से 37 जम्मू के लिए, 46 कश्मीर के लिए, 4 सीट्स लद्दाख के लिए और 24 सीट्स पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए था। लेकिन 2019 के बाद जब जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 पास किया गया और आर्टिकल 370 को स्क्रैप कर दिया गया था, तो एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर और दूसरी तरफ लद्दाख यूटी का गठन किया गया था। जहां जम्मू कश्मीर में विधानसभा को रखा गया जैसे कि दिल्ली पुडुचेरी में है, जबकि लद्दाख में कोई विधानसभा सीट रखा नहीं गया था। अर्थात अब 111 सीट्स में से 4 सीट घटाकर, क्योंकि 4 सीट्स पहले लद्दाख के लिए था, अब 107 सीट कर दिया गया है। लेकिन इसी कानून में यह बताया गया था कि जम्मू कश्मीर विधानसभा में 7 सीट बढ़ाया जाएगा, अर्थात टोटल 107 से बढ़ाकर 114 सीट्स किया जाएगा, जिसमें से 24 सीट्स पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर के लिए रहेगा, जो कि पहले से ही था। इट मींस जम्मू कश्मीर में पहले 83 सीट्स था, दैट इज 37 फॉर जम्मू एंड 46 वर फॉर कश्मीर, और जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के थ्रू अब ये 90 हो गया है, समझ गए ना। और ये डिलिमिटेशन कमीशन इन 7 सीट्स में से 1 सीट कश्मीर को देने की सिफारिश की है और 6 सीट जम्मू को देने की सिफारिश की है। अर्थात अब जम्मू में 43 सीट्स हो जाएगा और कश्मीर में 47 सीट्स हो जाएगा। यही रिसेंट इशू है। इसके साथ कमीशन ने कश्मीरी पंडित और पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर से जम्मू कश्मीर में आए हुए माइग्रेंट्स को भी रिप्रेजेंटेशन देने की रिकमेंडेशंस दी है। अब कंट्रोवर्सी क्या चल रहा है इसे समझ लेते हैं। डिलिमिटेशन कमीशन के ऊपर ये एलिगेशन लगाया जा रहा है कि डिलिमिटेशन कमीशन जो रिसेंट पार्टी सत्ता में है उसी को फेवर करती है, क्योंकि प्रेजेंट में केंद्र में जो सरकार है वह किसी एक विशेष रिलीजन को ज़्यादा प्रमोट करती है, और क्योंकि जम्मू में बीजेपी का ज़्यादा प्रभाव है एज कम्पेयर टू कश्मीर वैली, इसलिए जम्मू में 6 सीट्स दिया गया, जिससे कि बीजेपी को विधानसभा इलेक्शन में जीतने का चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएगा। दूसरा कंट्रोवर्सी यह है कि जम्मू कश्मीर विधानसभा 2002 में डिलिमिटेशन को 2026 तक के लिए फ्रीज कर दिया था, जैसे कि इंडिया के बाकी क्षेत्रों में भी किया गया था, और इसे हाईकोर्ट तथा सुप्रीम कोर्ट ने भी उचित ठहराया भी था। तो फिर प्रेजेंट गवर्नमेंट को अभी डिलिमिटेशन कमीशन बनानी क्यों पड़ी। और थर्ड इशू है कि अभी कुछ समय पहले जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया गया था, जिसकी सुनवाई अभी तक सुप्रीम कोर्ट ने की नहीं है। तो यही मामला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। ऐसे में केंद्र सरकार किस आधार पर जम्मू कश्मीर में डिलिमिटेशन कमीशन गठन कर दी है। हालांकि इन सब के जवाब में सेंट्रल गवर्नमेंट ने यह पक्ष रखी है कि जम्मू कश्मीर में डेमोक्रेसी को रिस्टोर करने तथा इलेक्शन कराने के लिए यह कदम उठानी पड़ी है। सो विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड माई डिस्कशन फॉर टुडे एंड आई होप यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल। डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।